सबरंग समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा और आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पे। गुदरी प्रखंड के बुड़ुगुली केरा नरसंहार के 23 दिनों बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बुड़ुगुली केरा गांव पहुंचकर नरसंहार पीड़ित परिवारों से मिली और उनका हाल जाना। राज्यपाल ने पीड़ित परिवारों की सुनने के बाद कहा कि सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई का विरोध किया जा रहा है, जो गलत है। पीड़ित परिवारों के बच्चे पत्थलगड़ी समर्थकों के पथ के साथ नहीं है, इसीलिए उन्हें पढ़ाएंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में विधानसभा सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन सह परीक्षण कार्यक्रम में सीएम ने संसदीय व्यवस्था के सफल संचालन में सभी दलों के विधायकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी दलों के विधायकों को संसदीय व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए, दलगत भावना से ऊपर उठकर जनहित के लिए सदन में अपनी बात रखनी चाहिए। रांची प्रेस क्लब के नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा रांची के आर्यभट्ट सभागार में शपथ लिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी नव निर्वाचित सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप सभी को कहा जाता है, सरकार और जनता के बीच सेतु कायम करना आपका काम होता है। राजभवन उद्यान 16 फरवरी को बंद रहेगा, इसकी जगह 23 फरवरी को उद्यान खुला रहेगा। इस बात की जानकारी राजभवन की विशेष कार्य पदाधिकारी सरिता दास ने दी। 2006 में आम लोगों के लिए राजभवन की पुष्प वाटिका के द्वार खोले जा रहे हैं, तब से हर साल बसंत के मौसम में फूलों की बहार यहां देखते बनती है। झारखंड में बिजली संकट पैदा हो सकता है। राज्य को रोजाना 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने वाले दामोदर घाटी निगम ने सप्लाई से हाथ खड़े करने का निर्णय लिया है। झारखंड बिजली वितरण निगम को इस बार DVC ने अल्टीमेटम दिया है। निगम को भेजे अल्टीमेटम में कहा गया है कि DVC का बिजली आपूर्ति मद में नवंबर 2019 तक का बकाया बढ़कर 4,995 करोड़ हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कुछ मजदूरों को गुड़मू के बारे पंचायत में ईटा भट्टा से रेस्क्यू किया गया। एक मजदूर ने अपने पिता को सूचना दी थी कि इनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। इसके बाद रायपुर जिला प्रशासन ने 3 सदस्यीय टीम भेजी, जो रांची पहुंची और उपायुक्त रांची के निर्देश के बाद बारे पंचायत में छापेमारी की गई। रांची में CNG और फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए गेल नई पहल करने जा रहा है। कंपनी की झीरी में बायोगैस प्लांट लगाने की योजना है। गेल कंपनी इसके लिए रांची नगर निगम से बात कर रही है। गेल के अधिकारियों के अनुसार जल्द ही इसके लिए MOU किया जाएगा, इसके बाद यहां CNG और फर्टिलाइजर तैयार किया जा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सबरंग समाचार के साथ। धन्यवाद।